अस्सलाम वालेकुम असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म के झटपट से रेसिपी रेडी होने वाली है, जो कि बड़ी मेहनत से बनती है, मगर मैं इसको झटपट से आसान से रेसिपी इसको बनाने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। आधा किलो के करीब मेरे पास मटन का गोश्त है। इसके अंदर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, वो डाल दिए इसमें, मोटा मोटा करके कटिंग कर लिए इसको, और मैंने लहसुन का रवा दिया एक बड़ा सारा और वो छिलके डाल दिया। इसमें मैंने 2 अदद टमाटर डालने हैं, वो भी मैंने क्यूब्स में करके डाल देने हैं, मोटे मोटे करके इसको इस तरीके से। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए। बहुत जल्दी से ये करेले बनने के रेडी हो जाएंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें चले जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें चले जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसमें चले जाएगा कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, इसमें चली जाएगी हल्दी, नमक चला जाएगा, नमक 1/2 टीस्पून। ये 7 मसाले इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें डालेंगे घी। हम घी हम लेंगे आधा कप के करीब मैं इसमें घी डाल दूंगी। आधा कप से ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप ही डालेंगे, क्योंकि करेलों को हमें फ्राई करना है अच्छे से। पहले जो मेरे चैनल पर आएगा, तकरीबन 1 गिलास के करीब, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, मटन का गोश्त है ये जल्दी गल जाएगा। इससे पहले मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। केजी के करीब मैंने करेले ले लिए। करेलों को मैंने धो के एक कढ़ाई में डाल दिया है, इसको कुक करके अच्छे से। इसमें चला जाएगा 1/2 कप घी का, बस 1/2 कप ही डालेंगे इसमें, बस हमने इसको गोल्डन करना है। और बाकी जो हमने 1/2 कप डाला हुआ है गोश्त के अंदर, मटन के गोश्त में, 10 मिनट के बाद वो गोश्त भी हमारा गल जाएगा, जब तक हमारे करेले भी फ्राई हो जाएंगे। सही है, जो है गल चुका है। और मैं दिखाती हूँ गोश्त को भी, हमारा मसाला भून चुका है। 1 अदद मैंने प्याज लिया है, वो साइज में काट के इन करेलों के साथ ही हमने गोल्डन कर लिया है। ये गोल्डन कर लेंगे इसको भी साथ ही। 1/2 करेले हमारे गोल्डन हो चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं बकाया, और साथ ये भी प्याज के साथ गोल्डन हो गए। करेले इस तरीके के जब गोल्डन हो जाएंगे, उसमें हम भुना हुआ जो गोश्त हमने रखा था बहुत ही मज़ेदार किस्म का, वो हमने इसमें शामिल कर देंगे। बहुत जल्दी बनने वाला है, साथ ही गोश्त आप बना लें और साथ ही इसको फ्राई करने के लिए रख लें, लेकिन कोई मेहनत नहीं लगेगी करेले को। अच्छे से हम मसाला साफ कर लेते हैं और आप चाहिए तो इसमें से जितना भी घी है ना, ये जो ऑयल है, सारा निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से भुनाई करके इसकी आप सारा घी निकाल सकते हैं। मैं भी इसी तरह करती हूँ कि मैं इसको एक छाननी सी बनी हुई है मेरे पास, एक प्लेट की छाननी है, उसके अंदर मैं डाल के सारा ऑयल निकाल लेती हूँ और फिर जो बिल्कुल जिस तरह का मुझे चाहिए होता है मुझे बन जाता है। ये देखें करेले गोश्त कितने ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं, टेस्टी टेस्टी से, यम यम से। इसको मैं जो ऑयल है वो मैंने एक छन्नी में डाल के निकाल दिया है। खुद से हमारे करेले गोश्त जो है रेडी हो गए हैं। इसमें हरी मिर्च 2-4 काट के डालती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए मज़ेदार किस्म के करेले गोश्त हमारे रेडी हो गए हैं, टेस्टी टेस्टी से, यमी यमी से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।